इन दिनों काफी कंट्रोवर्सी चल रही है नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता को लेकर, तो आपका क्या टेक, क्या कहोगे? मेरे मैं शुरू हो जाऊंगी तो ये मामला अभी खत्म नहीं होगा, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट में व्हाट शॉर्ट एंड स्वीट नहीं हो सकता, बहुत सारी इस पे अपने आप में लूपहोल्स हैं, क्योंकि जहां रहा सवाल सिट्टा का, सिट्टा को कंप्लेन गई पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईआर के सिट्टा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप सिट्टा में आते हैं तो आप एफआईआर नहीं कर सकते हो, तो जो एफआईआर हुआ था वो गाड़ी को लेकर के एफआईआर हुआ था, तब जो एफ आई आर हुआ था 2008 में, सरकार किसकी थी, कमिश्नर पुलिस कौन थे, वो इंस्पेक्टर ने एफ आई आर लिया या नहीं लिया उसके बारे में हम जानकारी रखते नहीं हैं ज़्यादा, जो कंप्लेन जो पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जितना नॉलेज है जो पेपर्स देखे हैं, ये मामला जो है उसके बाद सिंटा में ही वर्ड यूज़ हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट का, तो ये सब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहती हूँ। I'm too shocked with all these things. एक जगह में वहाँ पे ऐसा हुआ है कि विड्रॉ हुई है सारी पैसे को लेके बात हुई है, उनका एक एक्स अमाउंट था, एक्स अमाउंट की जो मीटिंग हुई है, पेपर आपके पास होंगे सारे शहर, एक्स अमाउंट था तो एक्स अमाउंट उसके बाद लिया गया, फिर और पैसे मांगे गए, वो पैसे ना किए तो उसके बाद विड्रॉ हुआ है, फिर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज़ हुआ है या सेटलमेंट हुआ है, तो मैं सोच में हूँ, और मैंने काफ़ी न्यूज़ वालों से जो बात हुई थी जब वो आई है, 3 महीना 4 महीना हो गया तनुश्री को आते हुए हिंदुस्तान में, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं समाज में, पर मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में जो सुनने में आई है बात, कोई कहते हैं कि मी टू के अमेरिका से फंड्स आए हैं उसको, कि वो मी टू प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो 10 साल का जो लोग कह रहे हैं, सी मैं यहाँ पर मैं कोई अपना फ्रैंक ओपिनियन नहीं रख रही हूँ, मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मालूमात हुए हैं, कोई बोलता है कोई एनजीओ फंड कर रहा है तनुश्री को ये मी टू को फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई कहता है हुआ है आपके साथ, मैं उसके बारे में बात नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ और चीज़ें बोल रही हूँ, जो ये 10 साल के जो प्रश्न उठे जा रहे हैं, जायज़ है नहीं जायज़ है वो तो जो हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डर फैक्टर जो होता है कभी कभार जो डर फैक्टर आता है एक महिला में जब हुआ है वो वाकया, मेरे हिसाब से पवन भरद्वाज का जो हमने वीडियो देखा है, फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू भी दिया है, पंचर हुआ तो वहाँ तो मुझे मीडिया के भाई लोग दिख रहे हैं, तो एमएनएस के लोग तो है नहीं, तो राज ठाकरे को क्यों कोसा जा रहा है? मैं ऐसे नहीं बोल रही, मराठी मानुस है नाना भाई और राज भाई, इसलिए मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, मैं एक अपने हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही हूँ, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लूप होल समझ में आ रहे हैं कि आप ठीक है मैं महिला हूँ तो इसका मतलब जैसे वो झूठ का झूठ चला जा रहा है उस तरीके से मैं भी हाँ नहीं ये अच्छा है मी टू है बोलिए अपने आप के एक्सपीरियंस बोली, हमें किसको प्रूफ करना है पहला पॉइंट ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारे हिंदुस्तान में कानून है, कानून अपने आप से चलता है, मीडिया में जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा था वो आप लोग सुनने में ऐसा आया है कि समझ में आ रहा है कि यूज़ किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया इतने टाइम से आप डिफेमेशन कर रही हैं एक बंदे पर, वो भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक तरफा बात कहना नहीं चाह रही ना मैं न्यूट्रल बोल रही हूँ, वो बात और है, आपने कंप्लेन नहीं करी, अब इतना बोल बोल के लोगों ने कहा कि आपने अब तक कंप्लेन क्यों नहीं करी, मैंने आपको वो वाक्या मिलेगी 2008 में कमिश्नर साहब कौन थे, 2008 में आपका एफआईआर नहीं लिया तो वो वर्दी आपके एफआईआर के जो साइन है वो इंस्पेक्टर का वो साइन खोली ना, कौन है वो आदमी उसको पूछे ना इनका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया, इसमें होमवर्क करिए ना, इसमें पीछे जाइए ना, इसको कुरेदिए ना, इनका एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद आप सिंटा में आपने मीटिंग करी है, हाँ सिंटा में फोन करके सिंटा वाले आए थे और शूटिंग रोकी थी, सिंटा वाले आए थे तो इसलिए मीडिया आया हुआ था, मीडिया क्यों आया था वहां पर, मीडिया आने का मतलब यही था कि सिंटा में इसने फोन किया था, इनका जब इशू था तब आई थी सिंटा तो तब जाके शूटिंग रोकी गई, अब मेरे को ये समझ में बहुत सारे लोगों से जो सुनने में आ रहा है वो मैं शेयर करना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि क्या है क्या नहीं, सबको ऐसा होता है कि हाँ आप भी बोलें आपको भी बोलना चाहिए, बोला देखिए बात है आप समझदार हैं, समझ में सबको आता है, कोई रोटी को चोची नहीं बोलता है, कानून का मिसयूज़ किया जाता है आजकल समाज में, आप महिला हैं तो इसका मतलब आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेट मी कंप्लीट, मैं ये नहीं कह रही,
बट गेट द फैक्ट्स राइट, इसमें आप पूरे देना। मेरा खाली एक ही प्रश्न है, सिर्फ वन, आपका जब मीटिंग हुई उसके बाद आपने पैसे मांगे, ज्यादा नहीं मांगे प्रोड्यूसर से, आपने बोला मुझे और पैसे दो, आपकी एक एक्स अमाउंट में डील हुई थी वो गाने के लिए, आपने गाना छोड़ा, आपने कंप्लेन भी नहीं करी राखी सावंत ने, जब राखी सावंत को लिया गया, एक कंप्लेन होती है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट छोड़ती हूँ तो दूसरा आर्टिस्ट को जब वो प्रपोज किया जाता है, दूसरा आर्टिस्ट को कंप्लेन करना चाहिए था कि आपने, शायद इसलिए नहीं किया होगा कि उसने खुद छोड़ा, इसीलिए इतनी आसानी से दूसरा आर्टिस्ट वो नहीं ले सकता है, ये रूल्स है सिंटा के। देखिए सिंटा इसीलिए है कि ये सब इश्यूज जो है सॉर्ट आउट करें। अब ये है कि बातें बहुत सारी है, जबान दी है ऊपर वाले ने, कलयुग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नाना पाटेकर है और एक बहुत बड़े स्टार है, तनुश्री भी है, 10 साल पहले का किस्सा है ये सारा फिल्मी स्टार का, उस टाइम पे मैं भी था, आई वॉज ऑल्सो देयर। क्योंकि आज की जो लड़कियां है सो कॉल्ड हीरोइन, वो जब तक के अपना टाइम पास करना होता है कर लेती है, और टाइम पास करने के बाद में नया बकरा ढूंढती है, सॉरी टू से दिस वर्ड, ये लड़की की है, क्योंकि इट्स ओके बट आर्गुमेंट इन अदर टाइम बिकॉज़ दिस इज ऑल हां दिस इज नॉट एट ऑल बिकॉज़ दिस इज मिक्सिंग नाउ वी विल जस्ट टेक अभी तनुश्री को रिलेटेड देन वी विल टॉक लेटर अराउंड राउंड जस्ट वन थिंग फ्रॉम योर साइड आल्सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर, इतने दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं एनी गर्ल हैरेस्ड हैज टू बी प्रोटेक्टेड, बट ये कहते हुए सिंपली मैं कहता हूं ये कंट्री इज नॉट रेडी टू हैंडल दिस सिचुएशन, वी डू नॉट हैव अ कमिटी इन प्लेस वेदर इट इज सिंटा और इवन इन द लीगल सिस्टम टू हैंडल दिस, वी डू नॉट हैव, वी आर हिपोक्रेट्स, वी एडमिट दैट वी आर हिपोक्रेट्स एंड वी विल नेवर बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन, द वेस्टर्न पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू हैंडल इट, वी आर फार बिहाइंड, वी माइट थिंक वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल इट, वी आर नॉट रेडी टू, दिस दी अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ इंडिया। हम औरतों को भगवान का रूप देख करके पूछते हैं बट बोथ एंड आई एम सेइंग इट वी मिस यूज आवर पावर एज मैन, एट द सेम टाइम टूडे वेमेन हैव बिकम आउटस्पोकन एंड अनफॉर्चुनेटली सम, आई एम नॉट सेइंग ऑल, देयर कुड बी सम दैट कुड मिस यूज दिस पावर, and as Raju has said, the law can twist the law also. So you need a committee in this. You need rules and laws, and we have to humko educate karna hai logon ko what is the right etiquette in workplace. Ke aap ladies aur women ke saath kis tarike ka bartav karte hain. You have to educate. So there's a whole lot of thing, aur ye overnight nahi jaane wala hai. This is the unfortunate thing. हमको इनकल्केट करना है, प्रोसेस इनकल्केट करना है, एंड यू हैव टू हैव अ कमिटी विच इज गोइंग टू बी अनबायस्ड, दैट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि यहाँ के एज इट इज एज मच एज आई रिस्पेक्ट द जुडिशियल सिस्टम, इट्स अ रियलिटी दैट इवन दो इम्प्रूव हो गया है, लॉज आर बिकमिंग स्ट्रिक्टर, इंप्लीमेंट नहीं करते, इंप्लीमेंट थोड़ा फास्टर हो गया बट इट्स स्टिल जस्टिस डिलेड, इज जस्टिस डिनाइड, तो समय लगता है यहाँ पे, दैट्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, दैट डजंट मीन वी शुड डू एनीथिंग, वी हैव टू, सो यू हैव टू हैव कमिटीज इन प्लेस एंड प्रॉपर कमिटीज दैट विल टेक एक्शन। व्हाई इज इट यू हैव टू गो टू एनजीओज, वी हैव टू गो टू वुमन संस्था, इन नंबर्स वी हैव टू टेक सपोर्ट टू मेक अ वॉइस बी हर्ड, यू गेट टायर्ड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट वर्क्ड अप, आप थक जाते हैं, तारीख पे तारीख कोर्ट में जाएंगे, तारीख पे तारीख एफआईआर लेने जाएंगे, एफआईआर देने जाएंगे, पुलिस वाला सेक्शन नहीं डालेगा जिस हिसाब से सेक्शन लगने चाहिए वो नहीं डालेगा, अभी गोरेगांव में किसी महिला को स्टैप कर दिया, उसमें सेक्शन का गड़बड़ी हो गई है, तो इस तरीके से अगर समाज में हमारी सोसाइटी में इस तरीके से माहौल क्रिएट होता है तो एक क्या होता है, जो असलियत चीज़ें होती है, जो रियल तकलीफ महिला होती है उनको जस्टिस नहीं मिलती है, पर अगर आप बिकॉज ड्यू टू फॉल्स प्रोपेगेंडा, आप पर्सनली अगर नाना पाटेकर को जानते हो या तनुश्री को जानते हो तो एक हमें एक थोड़ा ये होता है ना सॉफ्ट करके, नहीं दिस पर्सन मे बी नोइंग दिस पर्सन फॉर सो मेनी इयर्स, देखिए उसके देखिए जिसके साथ आप बीती है, पहला पॉइंट ये, हम यहाँ पे कोई जज करने वाले, वी आर नॉट सम फॉलोअर दैट वी आर गोइंग टू टेल यू नो कि हमने हम हमारे साथ क्या है, जिसके साथ जो आप बीतती है उससे ज्यादा उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इशूज को,
हाँ ये बोलना कोई अपने आप को बड़ा नहीं बना देगा कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। असलियत क्या है, हकीकत क्या है, आप इसमें कूरे दे ना, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ ना, कूरे दे। FIR का उस समय इंस्पेक्टर कौन था, इसका FIR क्यों नहीं लिया गया, पहला पॉइंट टू बी नोटेड। आई एम टॉकिंग टू द पॉइंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाना जी, आई एम टॉकिंग अबाउट तनु। मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपको खाली असूलन बता रही हूँ, समाज के लॉस के बारे में, कानून के बारे में बता रही हूँ। उस समय अगर वो FIR नहीं हुआ, कारण क्या है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें कुरे दिन FIR क्यों नहीं लिया गया, बात खत्म है उधर ही। आपने FIR जब गाड़ी का किया है तो वो FIR क्यों नहीं हुआ, उसका इंस्पेक्टर कौन था जिसका सिग्नेचर है, वो खोली ना, उतारी उसकी वर्दी। जब महिला बोलते हम पैनिक बटन दबाएंगे, आप पैनिक बटन लेंगे, हम पैनिक बटन, अरे पैनिक बटन क्या करते हैं, उसके बाद क्या किया आज तक। वे आई एग्री विद राहुल भैया ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल द पॉइंट्स, कि चार जो चार रास्ते होते हैं, मैं सारे पॉइंट्स अपने एक पेश करना चाह रही हूँ, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक एक हाँ भी है और एक ना भी है। पहला पॉइंट ये है कि आपका FIR नहीं लिया, ठीक है ना, नाम नहीं आया उसमें, आपने सिट्टा में कंप्लेन करी। अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो प्रश्न था उसका जवाब दे रही हूँ मैं। उसके बाद आपकी एक मीटिंग होती है जिसमें सेटलमेंट की मीटिंग होती है, या कॉम्प्रोमाइज वर्ड होता है, या सेटलमेंट या वो क्या विड्रॉ, दूसरे पॉइंट्स वो होते हैं। आप डर एक एक ऐसा है जब इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद आपने 15 महीने काम भी किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये पिक्चर की वजह से मैं डर गई, घबरा गई, मैं अमेरिका चली गई। आप हमारे आज हिंदुस्तान में आके आप अमेरिका की बढ़ाई कर रही हो क्या, हमारा कानून को आप, आपने कंप्लेंट नहीं करी, हमारी प्रॉब्लम है, आज भी नहीं करी जब ये सब मीडिया ट्रायल चल रहा था, तभी क्यों नहीं करी आपने। मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है, मेरी आवाज लाउड है, पर मैं एक क्लैरिटी करना चाहती हूँ। हमें भी दुख होता है, किसी कोई हर्ट होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, विमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। भैया डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग, विमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। अरे आप वुमेन को लेते हो, जो माँ ने आपको पैदा किया है वही लड़का पैदा हुआ ना, तो आप तुम लड़का को सबरी मेला मंदिर में लाओ कर रहे हो, महिला को नहीं कर रहे हो। मंदिर में भी इश्यूज लगा रहे हैं एंट्री के लिए, देवी मानते हो पूछते हो आप, नवरात्रे आने वाले देवी बोलते हैं मानते हैं, भारत माता की जय, भारत क्या माता की जय, जब माता ही बोला जाता है तो उस औरत को नीलाम किया जाता है, उस औरत नीलाम होती है, समाज में मारा जाता है, एसिड फेंका जाता है, कत्ल किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो क्या महिला की बातें हो रही है, हमारा क्या पेट भातों से भरेगा, इसमें कुछ एक्शन होगा जिंदगी में समाज में। बोलना बहुत आसान है, करना कर्तव्य करना जो होता है। आप एक ये किताब लेते हो, मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं कर रही भैया, मैं आप एक किताब लेते हो उसका आप उसको वो करते हो ना, हाथ लगा के बोलते हो मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य क्या, सत्य क्या होता है, सत्य ये कलयुग है, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसे का खेल है सब जगह, जहां भी खोलो दरवाजे वही पैसे का खेल है सब जगह।